चेयरमैन कौमी अकलीति कमीशन पाकिस्तान जेलाराम केवलानी की जानिब से अवस्था मोहम्मद में हिंदू ताजिर चंद्रलाल के घर डिकेटी और घर में डिकेटों की जानिब से फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत और सख्त नोटिस लिया गया। जेलाराम केवलानी की जानिब से अवस्था मोहम्मद इंतजामिया से राबता और वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जेलाराम केवलानी ने कहा कि ऐसे वाक़ात मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वाक़े के बाद अवस्था मोहम्मद में बसने वाली तमाम अकलीतों में बेचैनी और डर फैल गया है। जेलाराम केवलानी ने मजीद कहा कि हुकूमत वक्त बलोचिस्तान से मुतालबा करते हैं वाकई में मुलवस मुलजमों के खिलाफ कार्रवाई करके सख्त सजा दी जाए और अकलियतों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली ने रेवरेंड रावल एम जोयल ने कहा है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क्यादत में सियालकोट तरक्की की राहों पर गामजन है। सियालकोट की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की काविशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नून लीग की क्यादत ने मोहब्बे वतन होने का हक अदा कर दिया है। पूरी मसीही कौम पी एम एल एन की क्यादत के शाना बशाना खड़ी है। इन ख्याल का इजहार उन्होंने साबिक तहसील कौंसल सियालकोट पास्टर इलियास गिल की रिहाइश का अकबर आबाद में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। रेवरेंड रावल एम जोयल ने कहा है कि मसीहियों के डेवलपमेंट के लिए तमाम तर वसाइल बरकरार लाने का अजम रखते हैं और इस सिलसिला में नर्सिंग होम और बच्चों की तालीम के हसूल के लिए इकदाम अवलिन तरजीहात हैं। इस मौका पर पास्टर इलियास गिल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान क्यादत बेहतर तौर पर मुल्क की बागडोड़ को संभाल सकती है। हमें अपनी नौजवान क्यादत पर फख्र है। इसके लिए हम और हमारी टीम कदम से कदम मिलाकर चलने को तरजीह देती हैं। हम रेवरेंड रावल एम जोयल उम्मीदवार बराए सूबाई असेंबली को यकीन दहानी कराते हैं कि वो कामयाब होंगे। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं ने मुल्की और मसीहियों की तरक्की के लिए इकदाम की जरूरत पर जोर दिया। अकलीती तहफ़ पाकिस्तान एटीपी के सदर बाबा इंतजार गिल ने कहा है कि अकलीतों के तहफ़ के लिए असम्बलियों में अकलीतों को मखसूस नशस्तों के बजाय बराए रास्त इंतखाब के जरिए नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने कहा है कि सियासी पार्टियों के जरिए मखसूस नशस्तों पर कामयाब होने वाले अकलीती नुमाइंदे अकलीतों के तहफ़ के लिए कुछ नहीं कर पाते, लिहाजा अकलीती नुमाइंदों का इंतखाब मखसूस नशस्तों के बजाय जनरल सीटों बराए रास्त इंतखाब पर किया जाए ताकि अकलीती कम्युनिटी अपने पसंद के नुमाइंदों का इंतखाब कर सके। आगाही न होने और माशरती रवैयों की वजह से जमात में 50% से जायद अकलीती सीटों पर दाखिले न हो सके। हर साल अकलीती कोटा की सीटें जाया होने लगी। हायर एजुकेशन के इदारों में अकलीतों के लिए 2% कोटा होने के बावजूद हर साल मुकम्मल सीटों पर दाखिले नहीं हो रहे। अकलीतों के हकूक के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की 21 जमात में अकलीतों के लिए मुख्तस नशस्तों की तादाद 906 थी, ताहम उनमें से 736 पर दाखिले नहीं हुए और ये सीटें खाली रहीं। तंजीम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सबिहा शाहीन का कहना है कि जिन नशस्तों पर दाखिले हुए उनमें से सबसे ज्यादा दाखिले क्रिश्चियन कम्युनिटी के हुए जिनकी तादाद 143 है। 22 दाखिलों के साथ हिंदू कम्युनिटी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर अहमदी है जिनकी तादाद 4 और फिर सिख है। एक सिख ने अकलीती कोटे पर दाखिला लिया। इसके अलावा 10 ट्रांसजेंडर और 300 खसूसी तलबा भी इन 21 जमात में जेर तालीम हैं।